आज जो हम रेसिपी लेके आए हैं आपकी खिदमत में, उसका नाम है चिकन एंड नूडल फ्रिटर्स। जी हाँ नाज़रीन, आप बिल्कुल सही समझ गए हैं, हम बनाने वाले हैं चिकन और नूडल के पकौड़े जो बहुत यम्मी आपको टेस्टी लगेंगे और बड़े आसानी से बन जाते हैं, ज़्यादा कोई कटिंग चॉपिंग नहीं है उसमें। तो चिकन और नूडल्स के पकौड़े बनाने के लिए जो सामग्री या इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए नाज़रीन, वो आप प्लीज़ नोट करें। एक कप बॉयल किए हुए नूडल्स चाहिए, दो मीडियम साइज अनियन चाहिए, हमें एक कप डीबोन चिकन यानी खाली चिकन का मांस मीट चाहिए। इसे सीजन करने के लिए हम नमक यूज़ करेंगे, रेड चिली पाउडर यूज़ करेंगे, डीप फ्राइंग के लिए हम फैट यानी रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे, इसको बाइंडिंग देने के लिए हम एग यानी होल अंडा यूज़ करेंगे और इसमें थोड़ा क्रंचीपन लाने के लिए हम कॉर्न यूज़ करेंगे। तो नाज़रीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स नोट किए होंगे। तो हम इस रेसिपी को बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें हम नूडल्स डालेंगे जो हमने नाइफ से छोटे छोटे पीसेस में काटे हुए हैं। उसमें हम चिकन डालेंगे जो हमने डीबोन किया हुआ है, बिल्कुल हड्डिया और फाइन चॉप किया हुआ है। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे जो हमने फाइन चॉप किया हुआ है, ये हमने इसमें प्याज भी डाल दिए। उसके बाद नाज़रीन, सीजनिंग के लिए हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, टेबल सॉल्ट, थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए रेड चिली पाउडर, कॉर्न कर्नल्स जो हम क्रीम्ड वाला यूज कर रहे हैं, तो इस आप देख सकते हैं ये थोड़ा पिसा हुआ भी है और इसमें दाने भी हैं, ये हम यूज करेंगे। इसको अच्छे से बाइंड करने के लिए हम एग डालेंगे इसमें, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अगर आप उसे थोड़ा और क्रंची बनाना चाहते हैं तो आप कॉर्न फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिक्सिंग में कॉर्न फ्लावर यूज कर सकते हैं। साथ में ही हम ऑयल गरम करेंगे जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे। मिक्सिंग के बाद नाज़रीन, आप इसे थोड़ी देर रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप डायरेक्टली इसे फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये तेल बिल्कुल गरम हो चुका है, अब हम इन फ्रिटर्स को यानी पकोड़े इसमें डाल के फ्राई करेंगे। आपको स्पून या आप हाथ भी यूज कर सकते हैं इसमें पकोड़े डालने के लिए। अब ध्यान रहे कि ये ऑयल में डालते टाइम बिल्कुल बिखरे ना, एक ही जगह रहे। तो नाज़रीन, आज तक आपने नूडल्स, वेजिटेबल चौमिन, चिकन चौमिन खाया होगा, तो आज हमने कोशिश करी है कि हम आपको कुछ डिफरेंट दिखाएं, क्योंकि हमें आपकी सेहत और टेस्ट दोनों का भरपूर ख्याल है। तो आज हमने नूडल्स के पकौड़े बनाने की कोशिश करी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप घर में ये ट्राई करेंगे तो आप सब लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो एक साइड से फ्राई होने के बाद हम उन्हें फिर पलट देंगे और उसके बाद ये सर्व के लिए या प्लेटिंग के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। पर एकदम गर्म तेल में डालने के बाद इन्हें आप एक दो मिनट बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाते। ऑयल से निकालने के बाद हम इन्हें एब्जॉर्बेंट पेपर पर रखेंगे। ये बिल्कुल दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं, एकदम पक चुके हैं। तो हम इन्हें प्लेटिंग करेंगे नाज़रीन। इन्हें
इन्हें आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहे वो टमाटो केचप हो या आप मिंट सॉस बनाएं, कोरिएंडर सॉस बनाएं, उसके साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो इसको एक फ्रेश लुक देने के लिए हम थोड़ा पार्सले भी इसमें यूज़ करेंगे। तो नाज़रीन, ये बिल्कुल तैयार हैं चिकन एंड नूडल्स फ्रिटर्स या चिकन या नूडल पकौड़े, बिल्कुल तैयार हैं। आप किसी भी सॉस के साथ जो आपको पसंद आए उसके साथ ये सर्व कर सकते हैं।